भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने आज रेवाड़ी के आधा दर्जन से अधिक गांव का तूफानी दौरा किया। उन्होंने अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह के लिए समर्थन मांगा। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम लिए बगैर कहा कि विरोधी दल के पास अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं है। वे केवल राव का नाम लेकर ही अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष हवा उड़ा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह जीतने के बाद लोगों के बीच नहीं जाते। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें शक्ति दी है और वे संसद तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें अपना वजीर बनाया। दिल्ली रहकर उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई और इस इलाके की विभिन्न समस्याओं का हल किया और जब भी कार्यों से फुर्सत मिली तो वह जनता के बीच भी आए। उन्होंने बीते दिन गुरुग्राम में राहुल गांधी की रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा, विरोधी दल के नेता का चुनाव ठंडा पड़ चुका था, इसलिए उन्हें एक इंजेक्शन की जरूरत थी, लेकिन यह इंजेक्शन भी कोई काम नहीं करेगा, उनका इलेक्शन ठंडा ही रहेगा। मैडम, क्या बातें लेके जा रहे हैं अभी और क्या मानते हैं कि क्यों राव साहब को जिताएं? जी, कार्यों की सूची है मेरे पास, मैं लोगों के समक्ष ले जा रही हूँ, बता रही हूँ कि क्या क्या कार्य हुए पिछले 5 सालों में और उन्हीं को लेकर वोट मांग रही हूँ। दूसरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं साथ में, वो भी अपने कार्य गिना रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। मैंने तो एक अखबार, मैं आपसे पूछूं, एक अखबार का आर्टिकल नहीं देखा जहां उनके काम का जिक्र हुआ है। उन्होंने राव साहब का नाम लेकर हर आर्टिकल लिखा है। तो आज के दिन मैं आपसे पूछती हूं कि अगर उनके पास सूची है तो मुझे जरूर दिखाएं। कल राहुल गांधी थे गुड़गांव में, तो क्या मानते कितना फर्क पड़ेगा? 72,000 का वादा कर रहे हैं वो, दूसरा। जी, मैं इतना जरूर मानती हूं कि जब इलेक्शन ठंडा पड़ जाता है तो बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है ताकि थोड़ा सा इंजेक्शन मिल सके उनके चुनाव में, क्योंकि ठंडा पड़ गया है। मैं क्या बोलूं, आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि इस बारी हमारे उम्मीदवार और हमारे नुमाइंदे कौन करेगा लोकसभा में, और वो भाजपा ही मोदी करेगा। मानते हैं कि कहीं ना कहीं कप्तान अजय सिंह यादव फाइट में है राव साहब? नहीं जी, बिल्कुल, मैं मानती हूं कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक है।